हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों हम यहाँ पर फिर हाजिर हो चुके हैं आपके लिए वीडियो लेकर आपके इंग्लिश के एग्जाम से रिलेटेड, जो है हमारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स का अप्रिसिएशन। अब जो अप्रिसिएशन आपको आएगा आपके एग्जाम में, जहाँ पर आपको पोयम दी रहेगी और पोयम के साथ आपको कुछ पॉइंटर्स दिए रहेंगे और उस पॉइंट के हिसाब से आपको क्या करना रहेगा, आपका अप्रिसिएशन फ्रेम करना होगा। जैसे टाइटल दिया होगा, पोएट का नाम लिखना होगा, राइम स्कीम लिखनी होगी, फिगर ऑफ स्पीच और थीम और सेंट्रल आइडिया क्या है वो आपको लिखना रहेगा। लेकिन मैं बता दूं ये पॉइंट्स दिए, लेकिन आपको जो अप्रिसिएशन ऑफ पॉइंट्स पॉइंट वाइज नहीं लिखना, आपको पैराग्राफ में लिखना रहेगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे जैसा अगर मैं बात करूँ हमारे सामने पोयम में, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। अब सबसे पहली चीज टाइटल, पोयम तो दिया रहेगा लेकिन पोयम के साथ टाइटल नहीं दिया रहेगा। अब आपको टाइटल लिखना रहेगा। अब आपके पास दो ही काम है, एक तो पोयम याद कर लो या फिर हम जो बता रहे वो कर लो। क्या करना है, एक ट्रिक हम यहाँ पे बताएंगे। अगर वेयर द माइंड इज विदाउट फियर पोयम खोलेंगे ना, तो वहां पे आपको जो डब्ल्यू एच ई आर वेयर देखोगे ना, वो पोयम में बार बार रिपीट हुआ है। हर एक लाइन के स्टार्टिंग में क्या वेयर जो है रिपीट हुआ है। तो अगर पोयम में वेयर आया तो आपको एक ये दिमाग में रखना है कि कौन सा पोयम है आपका, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। अब पोएट का नाम क्या है, पोएट का नाम है आपके रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। फिर उसके बाद राइम स्कीम की अगर बात करूं, तो आप पोयम पूरा देखोगे तो पोयम के एंडिंग में कोई भी राइमिंग वर्ड नहीं है। जब कभी भी किसी भी पोयम में क्या लास्ट में राइमिंग वर्ड नहीं रहेगा, तो उस तरह की पोयम को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं दोस्तों फ्री वर्स। फ्री वर्स लिखना है, फिर इसको लिखना भी कैसे वो भी मैं बताऊंगा। फिर फिगर ऑफ स्पीच की बात करूं, तो फिगर ऑफ स्पीच कौन से आपको, रिपीटेशन है, एलिटरेशन है और फिर आपका मेटाफोर है। ये आपके तीन फिगर ऑफ स्पीच आपके पोयम में है, तो आप ये लिख सकते हो। फिर थीम और सेंट्रल आइडिया क्या है, यहाँ पे थीम ये है कि जो पोएट है वो गॉड से क्या प्रे करे ताकि उनकी जो कंट्री है उनको क्या मिल जाए, फ्रीडम मिल सके, और जो उनके सिटीजन है उनको जो उनके अधिकार है फ्रीडम टू एक्सप्रेस स्पीच, ये सारी चीजें भी मिल पाए। अब जिन्हें इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम हो वो किस तरह से ये लिख सकते हैं, चलिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहले चीज, टाइटल दिया है द पोयम, पोयम का नाम क्या है, वेयर द माइंड इज फियर, द पोयम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, द पोएट रविंद्रनाथ टैगोर। इतना होगा, ये हमारा पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, दर इन द पोयम देर इज नो राइमिंग वर्ड, देयरफॉर द राइमिंग स्कीम या फिर द पोएटिक डिवाइस इन द पोयम इज इन अ फ्री वर्स स्टाइल। फिर द पोएट हैज यूज्ड अ फिगर ऑफ स्पीच सच एज रिपीटेशन, alliteration and metaphor। इतनी चीजें क्लियर हो गई, यहां तक आपका स्टेटमेंट बन गया। अब लास्ट क्या है, लास्ट है आपका थीम और सेंट्रल आइडिया। द थीम या फिर द सेंट्रल आइडिया विच इज इन द पोयम इज दैट द पोएट इज प्रेइंग टू गॉड फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री सो दैट द सिटीजन ऑफ द कंट्री गेट देयर राइट्स ऑफ द फ्रीडम एंड दे विल बी एबल टू गेट द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेस एंड एसेट्रा। तो इस तरह से आपका जो अप्रिसिएशन है पूरा तैयार हो जाएगा दोस्तों। फिर से बता रहा हूं, आपको जो अप्रिसिएशन है पैराग्राफ में लिखना, पॉइंट वाइज लिखना नहीं, आपको कुछ पॉइंट्स दिए रहेंगे क्वेश्चन में उसी पॉइंट को डिनोट करते हुए आपको सारी चीजें लिखनी रहेगी, ठीक है। और हाँ, हिंदी मीडियम वालों, सेमी इंग्लिश मीडियम और मराठी मीडियम वालों को पॉइंट वाइज लिखना रहता है, लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों को पॉइंट वाइज नहीं, उनको पैराग्राफ में लिखना होता है। तो मेरे ख्याल से आपको सारी चीजें समझ में आ गई। अगर समझ में आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा दोस्तों।